लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। बीरपुर पुलिस का अजब गजब कारनामा सामने आया, दलाल के बल चलता है थाना। मामला बीरपुर थाने का। बीरपुर पुलिस का एक अजब गजब कारनामा सामने आया, दलाल की साठगांठ से बिना कोई मुकदमा के ही हवालात में घंटों बंद रखा, फिर 6000 लेकर दलाल ने हवालात से बाहर निकाला। दरअसल मामला यह है कि सुपौल जिले की भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित बीरपुर थाना का उक्त थाने में पदस्थापित अध्यक्ष DN मंडल और दलाल के रूप में आई टाइप कॉलोनी निवासी एम राजा का मामला है, जिनके साठगांठ से अध्यक्ष मंडल पैसे की खातिर कानून को ताक पर रखकर आम लोगों से बदतमीजी और बदसलूकी कर पैसे उगाही करते हैं। ताज़ा मामला परमानंदपुर पंचायत वार्ड संख्या 5 निवासी सुलेमान भाट का है, जो थाने में किसी मामले की जानकारी के लिए गया था। बीरपुर थाना अध्यक्ष मंडल ने उन्हें हवालात में बंद कर दिया और जब तक पैसे नहीं लिए तब तक हवालात से बाहर नहीं निकाला। इस तरह थाना अध्यक्ष मंडल की रवैये से आहत पीड़ित सुलेमान ने बीरपुर DSP पंकज मिश्रा समेत SP सुपौल एवं सिंघम के नाम से मशहूर वर्तमान DIG कोसी रेंज शिवदीप लांडे को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। अब देखने वाली बात होगी कि इस सुशासन की सरकार में इस गरीब फरियादी को न्याय मिलता है या नहीं। दिलदार खान की रिपोर्ट, बिहार। क्या मामला है? मामला यही है सर, हमको कोई जानकारी नहीं है, दोनों भाई में क्या हुआ हम घर में नहीं थे, हम बाहर चले गए, बाहर से आए, हमको शाम में मालूम हुआ जो हम भोरे देखो को पता लगाई वो घर में नहीं था, हम चले गए थाना पर। बड़ा बाबू बोला जी तू अहमद के बाप है? हाँ अहमद के बाबू जी है। हमको कहा यहाँ बैठो, हम चुपचाप बैठे, चौकीदार आया कहा जी इसको भीतर करो, एक अलावा हमको कुछ नहीं। तकर बाद हमारा बुढ़िया आया, बुढ़िया आया क्या लिया नहीं लिया है, मेरा राजा से 5000-6000 टका ले लिया। किससे ले लिया? हमारे परिवार से, हमारे के छोड़ाने के लिए। कौन लिया? हेमराजा। ये हेमराजा कौन है? अब कौन है नहीं है, डॉक्टर है, हमारा पंचायत के लोग नहीं है। से आपके बुढ़िया से? हाँ हमारे बुढ़िया से। छोड़ाने के लिए 5000 टका लिया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सुलेमान।